महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के नंबर से मानी आपको लेके आ रही है। एक बार महाराष्ट्र के फटाफट से हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बंगाल की हमने बात कर ली, इससे पहले बिहार की, उत्तर प्रदेश की बात कर ली, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एनडीए के खाते में 30 से 36 सीटें जो है वो जाती हुई नजर आती है। हालांकि यहां भी अगर उस लिहाज से देखो तो ड्रॉप हुआ है। एनडीआईए की अगर हम बात करें तो यहां पर 13 से 19 उसके खाते में जाती हुई नजर आती है। मतलब अगर बीजेपी की हम यहां पर बात करें तो यहां पर 20 सीटें उसके खाते में जाती हुई नजर आती है। शिवसेना शिंदे की अगर हम बात करें तो 8 सीट उसको मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है, और एनसीपी एपी की अगर हम बात करें तो 2 सीट उसको मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। यहां पे मनोजी यहां पे दिख रहा है कि एकनाथ शिंदे इज नॉट एबल टू हैंडल। एकनाथ शिंदे को अजीत पवार दिया, एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस का सपोर्ट दिया, एकनाथ शिंदे को सब कुछ दिया, लेकिन तभी वो महाराष्ट्र कंसोलिडेट करके ला नहीं पा रहे। देखिए यहाँ पे आप एकनाथ शिंदे को कुर्सी जरूर दिया है आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ये सोच थी कि मैं ये छोटे से अलायंस जो शिंदे गुट के थ्रू आ रहा है और अजीत पवार का एनसीपी के साथ जो आ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ होगा वो नहीं, पर बहुत कुछ खटपट भी चल रहा है ना, पर बहुत कुछ खटपट भी चल रहा है, खटपट भी चल रहा है, दिख रहा है वो, दिख रहा है वो, लेकिन दिख रहा है वो। ऐश्वर्या जी, शिंदे और अजीत पवार ये 2 ऐसे पिलर साबित होंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय तक महाराष्ट्र के शासन में अपने आप को काबिज रखेगी, और ये वो बेस है कि आप एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये दोनों बूथ मैनेजमेंट में सबसे माहिर खिलाड़ी। देख लेते हैं आपका दावा है, देख लेते हैं। ये दोनों पार्टियां मिलकर 41 सीटें महाराष्ट्र में लाई थी। इस बार वो जो बाटी में स्प्लिट हुआ है और दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो, उससे डेंट हुआ है एनडीए को, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर दे रहे हैं 100% मानना पड़ेगा जी। और वो डेंट हुआ है उससे, वो उसी वजह से नंबर जो आपके स्क्रीन पर है, 30 से 36 महाराष्ट्र में एनडीए को, लेकिन तब भी एनडीए के नंबर्स इंडी जो वहां पर अलायंस है उसके ऑलमोस्ट डबल है। मैं इसलिए इंटरेस्टेड उससे जा रही था और मैं इसलिए आपसे इस पे बात कर रहा हूं एक और मिनट, इससे पहले कि हम दिल्ली बताएं आपको कि यहां पे बीजेपी ने एक बहुत ही अलग तरीके का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया था। अभय को अगर हम इस पे लाएं तो, क्योंकि वो उसमें अजीत पवार लाए, उसमें एकनाथ शिंदे लाए, सारी पार्टियां तोड़ दी और अपनी पार्टी को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की, बट इट हैज नॉट बीन एबल टू हेल्प अभय, अभय दे हैव नॉट बीन एबल टू डू मच। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या किया? लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, नुकसान हो रहा है मुझे तो लग रहा है उनको। नहीं, नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं बताऊं कि ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करें तो उद्धव ठाकरे शिवसेना लोकसभा चुनाव के लिए जो शिवसेना का जो बेस है दैट इज मोर विथ एकनाथ शिंदे। नहीं, बट एकनाथ शिंदे को तो कहा जा रहा है कि उनके साथ वो, उन्होंने सारा उल्टा कर दिया, सिंपैथी सारी उद्धव ठाकरे के साथ चली गई। उद्धव ठाकरे के पास सिंपैथी किस लिए जाएगी? इसलिए जाएगी कि बाल साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का था चेहरा उसको उन्होंने किनारे कर दिया। ये बट सारी की सारी सिंपैथी वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे खींच नहीं पाए, सारी की सारी सिंपैथी मान सकता हूं, सारी सिंपैथी को अपने पास नहीं ले पाए, समय कम मिला था, और जो आपने बोला कि थोड़ा खटपट चल रहा था तो उसका भी थोड़ी सी कामयाबी मिली है, लेकिन ये खटपट तो अभी भी चल रहा है। नहीं, वो तो पोर्श पुणे वाले केस में हम देख रहे हैं अजीत पवार का कैसे चल रहा है वहां पे खटपट, वो सब सरकार का खटपट है, सब कुछ सामने देख रहा है।